हेलो गाइस, दोस्तों आज हमारे पास है बोया की तरफ से हमारे तीन वायरलेस माइक और तीनों स्मार्टफोन्स के लिए है। एक से बढ़ के एक सस्ते और अफोर्डेबल माइक है। सबसे पहला है बोया BY V10 जो कि एंड्रॉयड के लिए सिंगल चैनल है। दूसरा ये जो देख रहे हैं बोया BY V20 जो कि डुअल चैनल है एंड्रॉयड के लिए। और तीसरा है iOS के लिए सिंगल चैनल। इसमें आपको डुअल चैनल आपको iOS के लिए भी आता है। इस वीडियो में इन्हीं सब का हम रिव्यू और अनबॉक्सिंग करेंगे, साउंड क्वालिटी बताएंगे। आप जो अभी क्वालिटी सुन रहे हैं ये बोया का वायर माइक का है, जो बोया का M1 माइक जो सभी इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी पॉपुलर, उसकी क्वालिटी आप सुन रहे हैं। अब इसने अपना वायरलेस माइक काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च किया है एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए जो स्मार्टफोन से मोबाइल से वीडियो बनाते हैं उनके लिए। आइए इसका हम अनबॉक्सिंग करते हैं, बाद में रिव्यू करेंगे, क्वालिटी टेस्ट आपको इंडोर आउटडोर दोनों में करके दिखाएंगे और फिर बताएंगे इसकी प्राइसिंग और क्या ये वर्थ करता है या नहीं। तो आइए दोस्तों तीनों का एक एक करके अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले सबसे पहले सिंगल चैनल जो BY V10 है एंड्रॉयड के लिए, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर वाला, उसको हम अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स पे कुछ चीज़ें मेंशन है वो आपको बताते हैं, जो की हाईलाइट इसका है। और ये जो है आप ओमनी डायरेक्शन पिकअप करता है साउंड को, सी टाइप से चार्ज होता है, 50 मीटर रेंज है इसका और 9 आवर बैटरी बैकअप देता है। माइक्रोफोन में म्यूट का ऑप्शन है, 360 डिग्री क्लिप को रोटेट कर सकते हैं और हाई परफॉर्मेंस देता है और ऑटोमेटिक पेयरिंग जो है अपने कर लेता है, आपको कुछ करना नहीं होता ज़्यादातर। आइए इसे खोलते हैं। बॉक्स के अंदर कुछ बहुत सी चीज़ें नहीं है, बेसिकली बस एक मैनुअल दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए ये मैनुअल है। बता दें आपको कि इस पे 2 साल की वारंटी है। 2 साल में अगर ख़राब होता है तो कुछ कंडीशंस के साथ तो आपको ये रिप्लेस किया जाएगा। इसके अलावा ये देखिए टाइप सी चार्जिंग केबल है जिसे आपको चार्ज करना होता है। अगर आप 2 घंटे चार्ज करते हैं फुल चार्ज हो जाता है, मोबाइल किसी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर रिसीवर और ट्रांसमीटर है इसका, जिसमें कि टाइप सी दिया हुआ है कनेक्टर और आप स्मार्टफोन एंड्रॉयड में लगा सकते हैं। यहाँ पे विंड सेल दिया हुआ है, ऐसे आप हटाइए तो यहाँ पे इसका माइक्रोफोन है ट्रांसमीटर के अंदर और आप इसे लगा सकते हैं आसानी से। बोया की ब्रांडिंग है इधर देख लीजिए। और यहाँ पे 2 आपको स्विचेस मिलेंगे, एक पावर बटन जिसे प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो चालू होगा, दूसरा पॉज और नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करने के लिए। तो सबसे पहले इसे हम ऑन करते हैं इस ट्रांसमीटर को। ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, अगर ब्लू और रेड तो अभी पेयरिंग पूछ रहा है कि पेयरिंग कीजिए इसे, तो हम यहाँ पे पेयरिंग के लेके आपको सीधे आप क्या कीजिए कि इसको जो आपका रिसीवर है उसे आप अपने सी पोर्ट स्मार्टफोन में एंड्रॉयड के लगा दीजिए। जैसे लगाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली अगर लाइट जो है दोनों स्टेबल हो गया ब्लू के साथ तो समझ लीजिए कि पेयर्ड हो चुका है ये, ठीक है। तो इस हिसाब से आप पेयरिंग कर सकते हैं। मान लीजिए इन द केस आपका नहीं पेयर होता है तो आप OTG आप अपना सेटिंग में जाइए, उसे OTG को ऑन कर लीजिए एंड्रॉयड फ़ोन में सेटिंग्स के अंदर जाकर, तो फिर ये चीज़ें हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं नॉइज़ कैंसिलेशन करना ऑन तो आप इसे 1 एक बार प्रेस कीजिए तो ग्रीन हो जाएगा ट्रांसमीटर। तो इसका मतलब ये जो है आपका पेयर्ड हो गया आपका क्या नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में। तो ये चीज़ें हैं इसमें, आपको आवाज़ बहुत कम होगा, वीडियो दिखाएंगे। दूसरा जो है ये ड्यूअल वाला है, 2 ट्रांसमीटर एक रिसीवर वाला, तो इसमें भी वही कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, सारा फीचर्स वही है, बस 2 दिया गया है ताकि इंटरव्यू आप करें पॉडकास्ट करें तो उसमें आपको हेल्पफुल हो जाएगा। सारे फीचर्स उसके वही हैं। और यहाँ पे आपको 2 चार्जिंग के लिए टाइप सी दिए गए हैं केबल जिससे कि आप चार्ज कर सकते हैं दोनों को। और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सेम वही ये देखिए एक रिसीवर और 2 ट्रांसमीटर। तो रिसीवर ये है जिसमें कि टाइप सी है और ट्रांसमीटर ये जिसमें कि 2 सेम उस टाइप का है, सारा फंक्शन सेम है और सेम ऑपरेशन है इसका भी। इस तरीके से पेयरिंग दोनों हो जाता है। आप चाहें तो इसे भी आप पॉज कर सकते हैं प्रेस करके, या फिर आप चाहें तो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों काफ़ी बेहतरीन काम करते हैं, प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेट करके आगे इस वीडियो में, इंडोर और आउटडोर दोनों के साथ इस तरीके से, ठीक है। अब चलिए जो तीसरा है वो है, ये है iOS के लिए। अगर आपके पास आईफोन है तो सिंगल वाला है, सिंगल ट्रांसमीटर BY V1 सिंगल ट्रांसमीटर। और इसके अलावा आप मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि डुअल ट्रांसमीटर और डुअल रिसीवर अगर आप चाहते हैं तो वो भी मॉडल है V2 है ना, तो वो आप कर सकते हैं। ये V1 है और इसमें एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर है सेम, इसमें भी आपको चार्जिंग के लिए मिलता है और साथ साथ एक आपका ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। इसमें जो है ना रिसीवर में देखेंगे तो इसमें आपका लाइटनिंग वाला जो केबल लगता है उसी टाइप का दिया हुआ है इनपुट, ताकि आप आईफोन में लगा सकें। और सेम इसमें भी नॉइज़ कैंसिलेशन है, मोड है, पॉज मोड है और बस प्ले करना है, प्लग एंड प्ले स्टेबल हो गया तो समझ लीजिए कि ये कनेक्टेड हो गया। देखिए ब्लू हो गया, कनेक्ट हो गया। इसे एक बार अगर आप प्रेस करते हैं
और ये ग्रीन हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि ये नॉइज़ कैंसलेशन मोड में चालू हो गया। चलिए अब शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, सबसे पहले इनडोर के अंदर। सो गाइस, ये माइक हमने लगा लिया है और स्मार्टफोन के साथ अभी कनेक्टेड है करेंटली, और आप देख सकते हैं ये ब्लू मोड में है, यानी नॉइज़ रिडक्शन ऑफ है। और इस वक्त आप रूम में देखिए थोड़ा इको हो रहा होगा, बेसिकली इको इसलिए हो रहा होगा क्योंकि ये रूम खाली है काफ़ी। अब मैं आपको पंखा चालू करके थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कैसे ये करता है, और नॉइज़ रिडक्शन ऑफ करूँगा। तो फ़ैन ऑन करता हूँ, अभी फ़ैन ऑन कर दिया मैंने, देखिए ये फ़ैन ऑन हो गया, करंटली एसी चल रहा था। तो अब फ़ैन के साथ साथ फ़ैन फुल स्पीड में चलने लगा देखिए, और इस हिसाब से इसका आवाज़ जो है वो ऐसा, मैं फ़ैन के नीचे बैठा हूँ, खड़ा हूँ ठीक है, और फ़ैन के नीचे इस टाइप से आवाज़ आपका आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आवाज़ ये कैप्चर कर रहा है नॉइज़। अब यहाँ पे हम इसका नॉइज़ रिडक्शन जो फीचर है वो ऑन करेंगे, यानी ब्लू से इसे हम ग्रीन करेंगे, एक बार प्रेस करेंगे इसे तो ये जो है वो नॉइज़ रिडक्शन ऑन हो जाएगा इसका मोड। ये देखिए ये ग्रीन हो गया, यानी नॉइज़ रिडक्शन ऑन हो गया। अब पंखा चल रहा है तो इसमें आपको फ़र्क देखिए कि आप बोलता है कि फ़र्क कैसा लग रहा है। और इसका रेंज जो है 50 मीटर से 50 मीटर, रूम में तो 50 मीटर कहीं जाएंगे नहीं, आउटडोर चेक करके आपको बताते हैं। जो ड्यूल वाला है वो कनेक्ट किए हैं, और एक हम खुद लगा लेते हैं और एक लगा दे रहे हैं चंदन जी के पास। लिए चंदन जी, अभी जो है ना हम लोग लगभग 10 मीटर की दूरी पे हैं और ये 50 मीटर सपोर्ट करता है। नॉइज़ जो कैंसिलेशन ऑफ है, यानी आउटडोर में जो आवाज़ आएंगे वो भी साथ में कैप्चर होगा। जैसे हम लोग अभी शांत हो रहे हैं तो आप देखिएगा आवाज़ जो है वो कैप्चर हो रहा है। तो अब आप ड्यूल का आवाज़ सुनिए, उसके बाद हम लोग नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करके आपको सुनाएंगे। तो चंदन जी क्या हाल चाल है? सब बढ़िया भैया, बहुत धूप है, धूप काफ़ी है, बारिश इस समय हो नहीं रहा है जी, है ना जी। थोड़ा सा इधर टर्न कर लीजिए, है ना, देखने में तो अच्छा लग रहा है माइक, देखते हैं क्वालिटी। हाँ, बोया का जनरली बढ़िया रहता है, हम भी बहुत दिन बोया का इस्तेमाल किए हैं माइक, खास करके जब वो चलता था ना, क्या बोलते हैं M1 वायर वाला, वो काफ़ी यूज़ किए हैं जी। तो ये दोस्तों आपने आवाज़ सुना, लगभग इसका 50 मीटर रेंज है, मैं हम लोग घूमे वगैरह भी तभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसको हम ग्रीन कर लेते हैं, यानी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर लेते हैं इसका, और आपको दिखाते हैं। तो चलो ये पकड़े रहिए, मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करता हूँ। तो अब ये ग्रीन हो गया और नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो गया इसका, अब देखिए क्वालिटी आप। तो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो गया, रोड पे काफ़ी सारा आवाज़ हो रहा है लेकिन फिर भी आपको आवाज़ अच्छा दिखेगा। बोलिए कुछ चंदन जी। ये स्पेशल शायद आउटडोर के लिए बना है ना, नॉइज़ कैंसिलेशन वाला? नॉइज़ कैंसिलेशन इसीलिए होता ही है ना कि बाहर में आप शूट कर रहे हैं, गाड़ी वाड़ी का आवाज़ आ रहा है कुछ भी, तो उसमें दिक्कत नहीं हो, आपका आवाज़ जो है ना वो कैप्चर करे के बढ़िया है। तो गाइस कैसा लगा आपको बोया की तरफ से आने वाले ये सभी वायरलेस माइक्रोफोन? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप बोया का BY-M1 माइक इस्तेमाल कर चुके होंगे जो कि काफ़ी बढ़िया है, और मुझे ये क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा। आप इसे लेना चाहते हैं, नीचे मैंने अमेजन का लिंक दिया है, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो। एंड्रॉयड के लिए आपका मॉडल नंबर के साथ है सिंगल चैनल ड्यूअल चैनल, और iOS के लिए भी मॉडल नंबर के साथ आपका सिंगल चैनल ड्यूअल चैनल है। जो आप प्रेफर करना चाहते हैं वो आप नीचे से बाय कर सकते हैं। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।